बदलाव की सख्त जरूरत है। मुंबई से कितनी दूरी पर हैं हम? सही बात है, 30-40 किलोमीटर। नासिक 130 किलोमीटर दूर है भिवंडी से, चमकता है ना, बाजू में ठाणा सिटी है, चमकती है ना, हम तो बाजू में बैठे हुए हैं, अब कितना चमकता है तो आपको पता है। कहानी तो आप क्या चाहते हैं कि जनता फुकट में वोट दे दे दिन भर, जो अगर वो लोग धूप में खड़े रहते हैं और ये करते हैं तो फुकट में दे दे पूरा दिन? रोटी ना खाए, अच्छे पढ़े लिखे जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं उनको चुन कर लाए जी। रही बात इसके कि भोजपुरी में एक कहावत बताता चलो आपको, कि पहले ऐसा होता था जमींदारी के दौर में, जब शादी ब्याह की बात होती थी तो लोग पूछते थे भैया कितने हल की खेती है आपके यहाँ, तो सामने जमींदार था तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया वो नौवा की लेके नौ हर की खेती है। अब सामने वाला समझ गया कि बोले नौवा का कितना होगा, एक या दो, बकिया तो ये जमींदार ही थी को होगा। और जब शादी हो गई तो मालूम पड़ा सब नौवा खरीद चुका था, आठ उसका था अच्छा और एक जमींदार का था। तो भिवंडी शहर की जो नीति है, राजनीति है, आपको भी अच्छी तरह पता है, शहर के लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। इस शहर में 4-6 नगर सेवक लाकर बकिया नगर सेवकों को खरीदा जा सकता है और खरीदा गया, ये आपको पता है और पूरे शहर को पता है। तो जब इस तरह की नीति, खरीदने में तो पैसा लगता है, फिर विकास कहाँ से आएगा? क्योंकि जब खरीदा गया तो ये तो राजनीति नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाओ और फिर पैसा डबल ट्रिपल कमाओ जी। इसी के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं जब वार्ड का सर्वे कर रहा था तो हमने भी जनता से यही बोला था कि अगर आप पैसे दे के वोट दोगे, पैसे लेके वोट दोगे तो यही हाल होगा आपके वार्ड का। तो उनका ये स्पष्ट सवाल था, उनका ये स्पष्ट जवाब था, सॉरी नॉट सवाल, कि जब हम दिन भर बोले खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, हमारे क्या बोलते हैं काम का खाड़ा करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते, तो अगर हमने अगर एक दिन 500 रुपये ले लिया तो इसके सामने तो बोले ये लोग 5 साल जब खाते हैं, जब 5 साल लूटते हैं तो बोले वो कोई देखने को नहीं आता, बोले हमारा एक दिन का 500 रुपये दिख जाता है। तो फिर वो 5 साल या 4.5 साल उन लोगों को गाली क्यों देना जी, क्यों विकास की बात करना जी जी जी, वो तो दे दिया ना। हाँ वो तो 500 रुपये में, मतलब आपने 5 साल बेच दिया अपना। तो फिर हम उनसे कैसे सवाल कर सकते हैं कि भाई शहर के विकास का या वार्ड के विकास का? सच्ची और सीधी बात मैं आपको बताऊं कि भिवंडी शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब बड़ा मसला ये है कि जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके पास पैसा नहीं है और पैसा तो चाहिए, इसलिए इस तरह के लोग आ जाते हैं। और फिर वही बात है, फिलहाल तो अभी 3 के पैनल की बात हो रही है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। सवेरे 3 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को पैनल टूट जाता है और फिर दूसरे दिन दूसरे पैनल की तैयारी होती है। ये हालत है। और ये क्यों हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि एक नेता के दोस्त को पुलिस पकड़ ले गई और ये पीछे पीछे भागा भागा गया। अरे साहब मेरा दोस्त है, उसको पकड़ लाए, 307 लगा दिया, चलो मैं आया हूँ, मेरी इज्जत करो, 5 तो कम करो, यानी 302 लगा दो। तो शहर में पॉलिटिशियन भी 80% वैसे हैं जी 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 जी। तो अब मुद्दे को समझने के लिए अगर आप महानगर पालिका में बैठते हैं हाल में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको समझना है। अब मराठी नहीं आती, नहीं, मुद्दे को समझने के लिए महानगर पालिका हॉल में बैठे, लेकिन हॉल में जो है कैंडिडेट अलाउड है ना, लेकिन यहाँ पे तो माँ को लड़ाया जा रहा है, बहन को लड़ाया जा रहा है, भाभी को लड़ाया जा रहा है, बीवी को लड़ाया जा रहा है, तो इसकी वजह पर जो है मतलब चेहरा कोई और है वहाँ पे। हाँ, सब रबर स्टैंप है, एक ने उठाया हाथ तो दूसरे ने भी उठा दिया। मैं टेक्निकल में पढ़ता था तो मेरे सर थे हाशमी सर, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों की मिसाल, यानी हम लोग क्लास में थे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक औरत बिस्मिल्लाह होटल के बाहर खड़ी है ऐसे मुंडी ऊपर करके, अब एक के बाद लाइन लग गई, सब ऐसी करके देख रहे हैं। आखिर में लोगों ने पूछा भाई क्यों देख रहे हैं, आखिर में औरत से पूछा गया, नहीं बोली मेरी तो गर्दन ही ऐसी है। तो इस शहर की यह हालत है जी जी, और ये इतनी बड़ी जहालत है, इस शहर का ना कभी विकास हुआ है ना कभी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किन लोगों को फिर आगे आना चाहिए, खास करके चुनाव लड़ने के लिए, मतलब चुनावी मैदान में उतरने के लिए? देखिए हम युवा बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, तो किस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि कौन लोग जो है आना चाहिए आगे? देखिए यूथ अगर आगे आता है तो बहुत अच्छा होगा, मगर यूथ को गाइडलाइन देने के लिए लोग इस शहर में कम हैं, और यूथ को जो चाहिए यानी पैसा वो भी नहीं है, जज्बात में वोट नहीं मिलता, मतलब बिना पैसे के इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा सकता।
लड़ा जा सकता है, ईमानदारों की ज़रूरत है जी, मगर जिस शहर में बेईमान ज़्यादा हों तो वहाँ से ईमानदारों को कहाँ से लाया जाएगा जी, जी। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।